भारत में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। प्रधानमंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्री गोपनीयता की शपथ भी ले चुके हैं। जहां इस बार इलेक्शन में कई नेताओं की जुबान फिसली, तो वहीं मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, मुसलमान, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा जैसे शब्दों पर सत्ताधारी भाजपा का जोर रहा। तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन महंगाई, बेरोजगारी, संविधान पर जोर रहा। इन सबसे इतर पाकिस्तान की संसद में भारत के चुनाव प्रक्रिया की तारीफ हुई है। विपक्षी नेता शिबली फराज ने पाकिस्तान को भारत से सीख लेने की नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने ईवीएम के साथ अपने लंबे चुनाव आयोजित किए। शिबली फराज ने कहा, भारत के चुनावी प्रक्रिया की प्रशंसा करते हुए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने ईवीएम के साथ अपने लंबे समय के चुनाव आयोजित किए। परिणामों के ऐलान के बाद और धोखाधड़ी के किसी भी आरोप के बिना आसानी से सत्ता हस्तांतरित की, हम वैसा हासिल क्यों नहीं कर सकते। पाक संसद ने कहा कि दुश्मन देश का उदाहरण नहीं देना चाहता। अभी चुनाव हुए हैं वहां, क्या किसी ने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है? उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं करा सकता। उन्होंने कहा कि 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है, लाखों पोलिंग स्टेशन थे, एक जगह पर एक शख्स रहता था, उसके लिए भी उन्होंने पोलिंग स्टेशन बनाया, एक महीने चुनाव चला, ईवीएम से वोटिंग हुई, किसी ने एक आवाज उठाई, लेकिन हमारा सिस्टम देखिए पूरा खोखला हो चुका है। इस दौरान शिबली फराज ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अभी इलेक्शंस हुए हैं वहां पे, 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है, कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशन थे, एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने, एक महीने का दौरानिया था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया, एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था, इंतकाल इक्तदार कैसे हुआ। जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं कि ये मुल्क हमेशा इसी लेजिटिमेसी के अकाउंट की जंग लड़ता रहो कि इलेक्शन जीता है, ये जीता है, वो नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता, हो जीतने वाला कहता कि जी मैं जीत गया हूं। इस किस्म की चीज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल ही उसने खोखला कर दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान की संसद में भारत की तारीफ हुई है। हाल ही में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पार्टी के नेता और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य सैयद मुस्तफा कमाल ने भारत और अपने देश में विकास के बीच तुलना की। उन्होंने कहा कि दुनिया चांद पर जा रही है, वहीं कराची में एक बच्चा खुले गटर में गिरकर मर रहा है। उसकी स्क्रीन पर एक तरफ जहां भारत के चांद पर उतरने की खबरें थीं, तो वहीं दूसरी ओर कराची में एक बच्चे के खुले गटर में गिरकर मरने की खबरें भी थीं। हर तीसरे दिन यही खबर आती है। पाक संसद का ये बयान सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है।